मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश एवं देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान ईडी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि रमन सिंह ने ईडी मामले में कहा है कि जांच पूरी हो गई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि जाँच अभी जारी है। ईडी के आला अधिकारी सही जानकारी ठाकुर साहब को नहीं दे रहे हैं। जाँच पूरी होने की बात करना हास्यास्पद है। वहीं बीजेपी विधायकों के दिल्ली प्रवास पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम से मिलने का समय मांगा गया है, जल्दी उनकी मुलाकात हो, ऐसे में शुभकामनाएं हैं। बीजेपी को 4.5 साल में छत्तीसगढ़ की समस्याओं की सुध नहीं आई थी। आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती के अवसर पर सबको बधाई शुभकामनाएं। पूरे देश भर में बहुत धूमधाम से हनुमान जयंती मनाया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बड़े संख्या में श्रद्धालु हनुमान मंदिरों में जा रहे हैं और साथ ही अनेक प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। सबको बधाई शुभकामनाएं। अभी ठाकुर रमन सिंह जी ईडी के मामले में बोल रहे थे जांच पूरी हो गई, और लगातार 3-4 दिन से वो सीरीज चलाए हुए हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में छत्तीसगढ़ शासन को भी पक्षकार बनाया गया। उस याचिका में ईडी ने यह जानकारी दी है कि नान प्रकरण की जांच अभी जारी है। ईडी के प्रवक्ता होने के बाद भी, मतलब ठाकुर रमन सिंह की ईडी प्रवक्ता बने हुए हैं, लगता है ईडी के आला अधिकारी ठाकुर साहब को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। पर राज्य की जनता के सामने ठाकुर साहब को झूठ बोलना शोभा नहीं देता। 18 आरोपी थे, 9 के खिलाफ रायपुर विशेष न्यायालय में एसीबी का द्वारा अनुपातहीन संपत्ति होने का चालान भी पेश किया जा चुका है। 9 लोगों को अभी ईडी द्वारा एक बार भी बुलाया नहीं गया है। जांच पूर्ण होने की बात हास्यास्पद है। मुख्य मुद्दा ये है कि सीएम सर और सीएम मैडम कौन है और उस डोमेन में पैसा गया है जहां वो जांच नहीं कर सकते एसीबी, ये उन्होंने कहा है, तो आखिर उस कौन सा डोमेन है जिसमें राशि गई है। और इस मामले में 2015 से ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा, हम लोगों के द्वारा नान घोटाले के में सीएम मैडम और सीएम सब के बारे में विधानसभा और विधानसभा के बाहर भी अनेक बार इस मामले को हम लोग उठाया। और 2019 में ईडी में नान प्रकरण के जांच के आदेश देने की जानकारी ठाकुर रमन सिंह ने मीडिया को समा जाऊंगा। मेरी मांग पर प्रधानमंत्री जी ने जनवरी 2019 में ईडी से नान प्रकरण की जांच के आदेश देने की जानकारी मीडिया के माध्यम से ठाकुर साहब को दे दी गई थी। अब सवाल ये उठता है, क्या ये बात की जानकारी केंद्र सरकार ने या मोदी साहब ने रमन सिंह को जानकारी नहीं दी गई थी, क्योंकि बार बार वो मिलते रहते हैं, उसको जानकारी है कि नहीं है। और इसके बारे में सीएम मैडम और सीएम सर के बारे में वो जानकारी दें।